क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, इसके अंदर हमें पार्शियल फ्रैक्शन से क्रैक करना है, तो x माइनस वन होल स्क्वायर x प्लस टू, तो बेटा होल स्क्वायर है ना, तो कैसे बताया था मैंने, a अपॉन x माइनस वन एंड b अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर एंड c अपॉन प्लस टू। अब बेटा एबीसी हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लिया, तो वन इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन एक एक्स माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स प्लस टू बच जाएगा, प्लस ये पूरा कैंसिल इंटू बी प्लस एक्स माइनस वन इसका है। अब हमें ना एबीसी अननोन कॉन्स्टेंट है ना, इनकी वैल्यू निकाल, तो टोटल एक एक्स की ऐसी वैल्यू रखो जैसे एक पार्ट ऐसा जीरो, तो मैं सबसे पहले एक्स इक्वल टू वन रखता हूँ, लेफ्ट फुट एक्स है नहीं तो आपके ये कॉन्स्टेंट बन ही रहेगा, या वन रखो तो वन में से भी तो हो जाएगा जीरो, और यहां पर ये वन रखो आप थ्री, दिस इज थ्री बी और ये जीरो, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वन अपॉन थ्री। सिमिलरली एक और कोई सोचो माइनस टू, माइनस टू रखेंगे ना, वन इज इक्वल टू माइनस टू यहाँ रखेंगे पूरा जीरो, ये जीरो माइनस टू यहाँ रखो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा और सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब मैंने बेटा कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढो है ना, एक्स कोई भी वैल्यू ढूंढ सकते हैं क्योंकि अब जीरो तो हो नहीं रहा है, तो आप क्यों ना एक्स जीरो ही रख दो, कैंपस के इसी वन इज इक्वल टू यहाँ जीरो ओनली माइनस यहाँ जीरो प्लस टू इंटू यहाँ पर जीरो ये बी बी की जगह सॉरी जीरो प्लस टू कितना टू हो जाएगा और बी की जगह कितना लिख देंगे वन अपॉन थ्री, इसी तरह यहाँ जीरो रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा और ये वन अपॉन। अब कॉन्स्टेंट्स को या माइनस टू को लेफ्ट साइड गया तो प्लस का टू है इसी को वस्तु यहाँ एक मिस्टेक होने के चांस है, मैं ध्यान रखना इसको मैं इस तरह कहेगा यहाँ पर कौन था वन वन कहाँ जाएगा राइट, तो ये वन बच जाएगा हो जाएगा नाइन सिक्स थ्री जा सिक्स नाइन माइनस नाइन सेवन माइनस नाइन माइनस का टू अपॉन नाइन, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए टू अपॉन हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू आ गई, मतलब सी की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू सारी वैल्यू आ गई। अब आपका इंटीग्रेशन किस तरह कन्वर्ट हो गया, देखो ए अपॉन दिस ए कितना इसके अंदर माइनस वन अपॉन माइनस वन अपॉन नाइन अपॉन एक्स माइनस वन आ गई। अब बी की वैल्यू ढूंढो, बी कितना है वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन थ्री ये x माइनस वन का होल स्क्वायर और ये dx। अब c की वैल्यू ढूंढो, c कितना है वन बाय नाइन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय नाइन और ये हमारे पास x प्लस टू y dx, तो कॉन्स्टेंट बाहर रह लेंगे है ना, माइनस वन बाय नाइन और वन अपॉन x का कितना होता है x माइनस वन, ये देखो बेटा वन बाय थ्री तो यहाँ ले लेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ले रुको एक वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हमेशा के लिए याद रखना माइनस वन बाई एक्स, जैसे एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से हो जाएगा ठीक है ना, इसका हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ठीक है ना, प्लस ये वन बाई नाइन वन अपॉन एक्स का कितना होता है एक्स प्लस टू को एक्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ये आंसर ठीक है, बट आप चाहो तो इन दोनों में से वन बाई नाइन कॉमन आ सकते हैं, वन बाई नाइन कॉमन आया प्लस वाले वैल्यू को पहले लिख लो लॉग ऑफ एक्स प्लस टू और ये माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन एंड ये माइनस वन बाई थ्री इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड प्लस सी, यह लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करो वन बाई नाइन लॉग ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वन एंड प्लस सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, इसमें सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे वन माइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन
and x plus 1. Now, 1 minus 3x, x plus 1 is getting common, x square plus 1 again dx. अब आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रैक करो, 1 minus 3x, x plus 1 and x square plus 1. This equals to, ये तो बेटा ये अपॉन हो जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक है, तो मेरे पास हो जाएगा bx plus c. क्वाड्रेटिक क्या करते हैं, bx plus c दो कांस्टेंट यूज करेंगे इसमें. अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 minus 3x is equals to, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x square plus 1 into a plus, ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में आएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, and x plus 1 and bx plus c. अब x की कोई ऐसी वैल्यू यूज करेंगे, कांस्टेंट फाइंड करेंगे, तो इसको जीरो बता देंगे. माइनस वन रखा, यहाँ माइनस वन रखने से कितना फोर आ जाएगा, यहाँ माइनस वन का स्क्वायर वन, और वन प्लस वन टू, टू ए, और ये पूरा जीरो, टू अपॉन में आ गया, ये की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, इसी तरह से टोटल आपका एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, यहाँ जीरो रखोगे तो खाली वन, यहाँ जीरो रखोगे तो ए, यहाँ जीरो रखने से वन, और यहाँ जीरो रखने से ये होगी सी, ए की वैल्यू टू रखो, टू प्लस सी तो वन, टू इधर जाएगा माइनस वन सी, ये सी. अब कोई भी ऐसी वैल्यू जो अभी तक यूज नहीं किया, सपोज तुमने वन यूज नहीं किया है, तो वन रखते थे ऐसे, यहाँ वन रखने से कितना आ जाएगा माइनस टू, यहाँ वन रखने से टू ए, और यहाँ वन रखने से प्लस का टू, यहाँ से देखो ए टू ए, यहाँ वन रखने से टू, और यहाँ पर देखो वन रखा तो बी प्लस सी. अभी टू को सभी के अंदर है, तो माइनस का वन कैसे करते हो तो एंड प्लस बी प्लस सी. अब जो वैल्यू मुझे पता है वो उसमें पुट कर दो, माइनस वन ए की वैल्यू टू हो गई, और बी मुझे पता नहीं है, सी मुझे पता है ना, सी की वैल्यू थी माइनस वन, तो ये आपके वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू टू प्लस बी, ये टू इधर आ गया तो माइनस का टू, ये मेरे पास बी की वैल्यू हो गई. ए बी सी तीनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी है. अब आपका जो इंटीग्रेशन है ना, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा, इंटीग्रेशन ए अपॉन दिस, ए की वैल्यू कितनी है टू, टू अपॉन एक्स प्लस वन और ये डी एक्स, फिर बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी है माइनस टू, माइनस टू एक्स, और सी की वैल्यू है माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डी एक्स. अब देखो टू तो बाहर कॉन्स्टेंट है, इसको हम एक्स कंसिडर कर सकते हैं, वन अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा लॉग एक्स, यहां पर इसको इंडिविजुअली लिख लो माइनस बाहर, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये माइनस वन बाहर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, टू लॉग एक्स प्लस वन माइनस, इसका डिफरेंशियल ऊपर बन है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, ध्यान से देखो इसका कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स वाली प्लस, अब ये टू को ना इसके ऊपर डाल दो आप, क्या बन जाएगा लॉग ऑफ होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स एंड प्लस लॉग एम अपॉन एन अप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन टू दी बेस सी एंड माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस. तो इसके अंदर आप इस तरह से आप उसको ब्रैक करेंगे तो बहुत सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर वही सेम चीज, सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्टराइज, एक्स कॉमन ले लो, एक्स टू पावर फोर माइनस वन एंड डी एक्स, इसको वापस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर फॉर्म से एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर आगे और वापस बैक हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट, वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, सिंपल हो गया. अब आप इसको
ब्रेक करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेंगे, x माइनस वन a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस वन प्लस c अपॉन x माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा तो x x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वन इंटू ए, यहां पर ये तीनों इसके मल्टीप्लाई में आएंगे तो x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वन इंटू बी सिमिलरली x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वन और ये c। अब इसमें पुट x इक्वल टू, सबसे पहले ऐसी वैल्यू रखो तो इसमें मैक्सिमम पार्ट को गलत, मैंने जीरो रख दिया, लेफ्ट हैंड का है नहीं तो रखेंगे नहीं, यहाँ जीरो प्लस वन वन, जीरो माइनस वन इंटू ए, ये पूरा जीरो, नेक्स्ट पार्ट और जीरो, तो ए इक्वल टू माइनस वन। इसी तरह से अब की बार एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा, तो ये वन वन रखने से ये पूरा खत्म जीरो हो जाएगा, यहाँ ये पूरा खत्म, और यहाँ पर वन रखें और वन वन टू हो जाएगा, टू सी के टू हो जाएगी वन बाई टू। सिमिलरली वो एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन लेफ्ट साइड में तो वन ही है, यहाँ माइनस वन रखेंगे तो ये पूरा पूरा फिनिश, यहाँ माइनस वन रखने से ये माइनस वन और ये माइनस टू और ये बी ये अगला पूरा फिनिश, माइनस वन प्लस टू, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू, ये सी की वैल्यू, ए बी सी तीनों वैल्यू आ गई। नाउ हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इन तीन पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन, माइनस वन अपॉन एक्स एन डी एक्स, बी अपॉन बी कितना वन बाई टू प्लस वन बाई टू और एक्स प्लस वन डी एक्स, और सी की वैल्यू इट्स ऑल्सो वन बाई टू प्लस वन बाई टू एंड एक्स माइनस वन डी एक्स, माइनस वन तो बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स से कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन बाई टू, इसको एक्स से डिवीजन कर सकते हैं लॉग एक्स प्लस वन एंड प्लस वन बाई टू, ये भी लॉग ऑफ एक्स माइनस वन एंड प्लस सी। आप चाहो तो टू पूरे में कॉमन ले सकते हो, लेकिन इसको अलग छोड़ दो और दोनों में हाफ कॉमन लिखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, इसके अंदर क्या हो रखा है, दोनों पावर सेम है तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको डिवाइड करना, किसका डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, कितनी बार जाएगा बेटा वन टाइम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, सब्ट्रैक्ट कैंसिल आउट टू एक्स प्लस वन आ गया, तो मेरे पास ये इंटीग्रल बन जाएगा क्वेश्चन प्लस ये रिमाइंडर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एंड प्लस टू एंड डी एक्स, इसको ना अलग अलग है वन एंड टू डी एक्स, और ये टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू और डी एक्स, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल तो एक्स होता है टू एक्स प्लस वन और ये हो जाएगा था एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू, टू और वन थ्री हो जाएगा टू वन जाएगा, एक्सप्रेस कर दो उसको। अब आप इसमें ना इसको ब्रैक करेंगे तो ब्रैक टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू विल इक्वल टू a अपॉन x प्लस वन प्लस b अपॉन x प्लस टू, इसको ब्रैक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2x प्लस वन इंटीग्रल x प्लस वन को कैंसिल, ये x प्लस टू इंटू ए प्लस x प्लस वन इंटू बी, वो लैम्डा बी वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट इस मेथड से भी हो जाएगा। अब एक पार्ट इसका कोई भी जीरो करने के लिए क्या करेंगे, पहले माइनस वन रख देते हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो मेरे पास आ जाएगा ये माइनस वन माइनस टू प्लस वन, ये माइनस वन रखेंगे तो ए आ जाएगा, तो ए की वैल्यू माइनस वन, इसी तरह से ये दोनों पार्ट जीरो होते हैं। अब क्यों आप पुट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस फोर और ये माइनस थ्री हो गया,
ये जीरो हो गया और ये वाला माइनस टू प्लस वन माइनस बी यानी बी की वैल्यू मेरे पास आ गई थ्री। तो हमारा जो इंटीग्रल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, एक्स को यहाँ आया इसको भूलना नहीं, एक्स को आ गया ये वैल्यू हो गई ए अपॉन दिस यानी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड डी एक्स और बी की वैल्यू कितनी आई प्लस थ्री आई बी की जगह रख देंगे थ्री को बाहर रख सकते हैं कॉन्स्टेंट रेस से और ये एक्स प्लस टू और ये डी एक्स। अब देखो यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, तो मैं इसको कह सकता हूं एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन लॉग का फॉर्मूला अप्लाई हो गया प्लस थ्री लॉग ऑफ एक्स प्लस टू एंड प्लस सी, ये इसका एक बेस्ट आंसर है और चाहो तो इसको और आगे सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं। अभी सिंपली हम क्या करेंगे भाई, ये जो थ्री है ना ये इसकी पावर में जा सकता है बस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू और होल पावर थ्री एन प्लस लॉग एफ अपॉन एन अप्लाई कर दो एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू होल पावर थ्री अपॉन एक्स प्लस वन एन प्लस, ये हमारे पास इसका परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, इसको भी ब्रेक करने का पास सिस्टम बता रखा है मैंने आपको क्या हो जाएगा बेस, ये क्वालिटी है ना इसका केयरफुल ए अपॉन एक्स प्लस वन और ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका हम क्या लिख देंगे दो कॉन्स्टेंट चाहिए ना तो बी एक्स प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस वन ये तो एक्स प्लस वन कट जाएगा और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ए और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये एक्स प्लस वन देन दिस इज बी एक्स प्लस देन वन ऑफ द पार्ट्स का जीरो करना है ना ए बी सी की वैल्यू निकालने की शॉर्ट ट्रिक यही है तो टैक्स इक्वल्स टू माइनस तो हमारे यहाँ माइनस वन लगने से माइनस टू आ गया ये हमारे पास टू ए ये पूरा पूरा जीरो हो गया तो ए इज इक्वल टू मेरे पास माइनस इसी तरह से अब क्या एक्स इक्वल टू जीरो रख दो आप ये तो माइनस वन ए ये वन और ये जीरो और ये सब सी आ गया माइनस वन ए की वैल्यू माइनस वन और ये प्लस सी इस तरह बाकी क्या हो जाएगा सी की वैल्यू जीरो ध्यान से वापस देखो माइनस ये माइनस वन और जीरो प्लस ए हो जाएगा जीरो प्लस वन हो गया जीरो प्लस सी हो गया ए की वैल्यू माइनस वन डाली सी की वैल्यू जीरो आ गया सी हम अननेसेसरी लगा इसके यहाँ पर टोटल। अब आप एक्स कोई एक ऐसी वैल्यू जो अभी तक हमने यूज नहीं की क्योंकि जीरो किसी से हो नहीं रहा है तो यूज कर ले वन डालने यहाँ वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा यहाँ वन डालने से कितना हो जाएगा टू ए और यहाँ वन डालने से कितना हो जाएगा टू और यहाँ वन डालने से बी प्लस सी हो जाएगा बी प्लस सी टू तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा ए प्लस ये बी प्लस सी सी की वैल्यू मेरे पास जीरो है जीरो डाल दो और ए की वैल्यू माइनस वन है माइनस वन प्लस बी जीरो वन कर दिया आप बी की वैल्यू कितनी हो गई वन हो गई। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बना इंटीग्रेशन बना ए अपॉन दिस ए मेरे पास माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और डी एक्स और बी एक्स प्लस सी बी की वैल्यू वन है एक्स और सी की वैल्यू जीरो है तो ये मेरे पास ओनली एक्स आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स। मैंने ट्रिक बता रहा कि अगर इसका डिफरेंशियल ऊपर हो जाए तो हम क्या करेंगे ये बताया था मैंने कोई फंक्शन एफ एक्स है और डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी टू डी एक्स ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं बट टू तो यह है नहीं हम टू से मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड करते हैं यहाँ पर नाउ इसका डिफरेंशियल यहाँ पर है माइनस वन ये तो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस वन अपॉन टू इसका डिफरेंशियल यहाँ है तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस ये इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को पहले हमें सिंप्लीफाई करना है अच्छा क्वेश्चन है वन प्लस ई टू द पावर एक्स यहां पर देखो वन प्लस वन अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस हो जाएगा इसका एलसीएम ले लो
एलसीएम वाली वैल्यू जो है ऊपर आ जाएगी टू पावर एक्स, ये प्लस और ये माइनस दोनों प्लस है माइनस है, चेक करो भाई एक में माइनस है ना, एक में ये माइनस तो हमारे पास ये तो टू पावर एक्स ऊपर आ गया वन प्लस टू पावर एक्स और एलसीएम वैल्यू क्या आ गया यहाँ टी एक्स माइनस का बाकी डी एक्स लेट टी टू दी पावर एक्स को टी ले लो आप तो टी एक्स dx इक्वल टू ये तो इधर का डेरिवेटिव पार्ट है तो हमारे पास न्यूमरेटर वैल्यू पूरी कितनी होगी dt 1 अपॉन ये t प्लस 1 एंड ये t माइनस 1 अब हम इसमें क्या कर सकते हैं वही सेम प्रोसेस पार्शियल फ्रैक्शन का 1 अपॉन t प्लस 1 एंड t माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा t माइनस 1 इनटू a और इस तरफ यहां क्या बच जाएगा t प्लस 1 इनटू b और b कांस्टेंट से इनकी वैल्यू निकाल लिए तो सबसे पहले put t इज इक्वल टू 1 ये तो 0 ये 2b ये 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू b आ जाएगा सिमिलरली put t इक्वल टू माइनस 1 ये वन है ये माइनस टू ए और ये जीरो तो ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाय टू अब हमारा इंटीग्रल किस प्रोसेस में आ गया ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ अपॉन टी प्लस और डी टी बी की वैल्यू प्लस हाफ और ये टी माइनस वन और ये बी इस पूरे कैक्स की तरह यूज कर सकते हैं ना माइनस वन बाई टू वन अपॉन एक्स कितना होता है लॉग एक्स या टी है तो टी प्लस इसी तरह से प्लस वन बाई टू आगे ले लो और लॉग ऑफ टी माइनस वन इन प्लस टी हाफ कॉमन ले सकते हैं और माइनस में आएगा क्या करोगे आप टी माइनस वन अपॉन टी माइनस वन वैल्यू अपॉन में एम अपॉन एंड वाली प्रॉपर्टी टी की वापस वैल्यू पुट कर दो लॉग ऑफ टी टू द पावर एक्स माइनस वन टी टू द पावर एक्स प्लस वन एम प्लस ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है इसमें बेटा लेफ्ट ई टू द पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू टी ले लो और ई टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी प्लस वन कर लो डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स और ये डी टी अपॉन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई dx इक्वल टू वन अपॉन ई टू द पावर एक्स और ये डी टी हमारे पास ई टू द पावर एक्स ऑलरेडी जानते हैं टी प्लस वन और ये डी टी और ये डी एक्स ये तो कौन सा पोर्शन है अपना डिफरेंशियल वाला हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू क्या बन गई वापस यहाँ पर डी एक्स जगह दी वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टी प्लस वन और ये डी और इसकी जगह हमने टी कंसिडर किया हुआ है ये आ जाएगा टी स्क्वायर अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना पड़ेगा लेट वन अपॉन टी प्लस वन एंड टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए अपॉन इस टी स्क्वायर का टी ले लेंगे फिर बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन इसका ले लो टी प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस में टी कैंसिल हो जाएगा टी प्लस वन इंटू टी इंटू ए टी स्क्वायर टू डे कैंसिल हो जाएगा टी प्लस वन इंटू बी और ये टी स्क्वायर इंटू सी सबसे पहले क्या रखोगे फुट आई थिंक टी टू जीरो ही बेटर रहेगा तो पूरा जीरो यहाँ सिर्फ बी बचेगा और वो जीरो बी की वैल्यू मेरे पास वन आ इसी तरह से फुट टी इक्वल टू माइनस वन वन ये माइनस वन अगर ये जीरो और ये प्लस सी की वैल्यू मेरे पास वन आ गई अब वैल्यू ऐसे रुको तो बता यूज नहीं की हो वैल्यू तो जीरो माइनस वन यूज कर लिया अब वन से माप कर लेते हैं लेफ्ट साइड में खाली वन ही है यहाँ कितना आ जाएगा वन वन टू और ये वन टू ए देन वन वन टू हो जाएगा टू बी एंड प्लस सी देन वैल्यू बी और सी की तब जानते हैं टू ए बी की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू मेरे पास वन है टू वन थ्री और उधर जाके माइनस टू
ये टू ए, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस। तो अब इंटीग्रल क्या हो गया मेरे पास, इंटीग्रल हो गया ए, ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन टी डी टी। इसके बारे में बात करते हैं, बी की वैल्यू वन है, वन अपॉन टी स्क्वायर और डी टी। सी की वैल्यू भी वन है, तो वन अपॉन और डी टी प्लस वन टी। इसका इंटीग्रल माइनस लॉग ऑफ टी, इसका कितना होता है माइनस वन अपॉन टी, एक्स पर एल ओवर लगा लो अपने, प्लस लॉग ऑफ वन टी प्लस वन एंड प्लस लॉग एम ओपन एन एप्लाई हो जाएगा इसमें, लॉग ऑफ टी प्लस वन अपॉन टी एंड माइनस वन अपॉन टी एंड प्लस। अब टी की वैल्यू क्या लेट ली थी हमने, टी की वैल्यू फोर ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, टी प्लस वन की वैल्यू कितनी है ये प्लस टी प्लस वन की जगह ई टू दी पावर एक्स, और टी की जगह ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, माइनस वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस वन एंड प्लस। ये आपका आंसर अप्रोच हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रोडक्शन को समझ के करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, इसके अंदर क्या है, वही सेम प्रोसेस पिछले वाला, ई टू दी पावर एक्स को आप दी देखो ई टू दी पावर एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स है, तो डी एक्स ऊपर आ जाएगा और ए टी सी, तो न्यूमरेटर पूरी वैल्यू डी टी में कन्वर्ट, और ये हमारे पास टी स्क्वायर बन जाएगा प्लस फाइव टी एंड प्लस सी प्लस एक्स। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको ब्रैक एक्साइज अगर पास फ्रैक्शन किया तो फैक्टराइज कर लो, कितना हो जाएगा थ्री प्लस टू फाइव और थ्री टू टू सिक्स मीन्स एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री, टी प्लस टू और टी प्लस थ्री बन जाएगा, इसके थ्री और टू फाइव हो जाएगा और थ्री टू सिक्स हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर दिया, अब आप इसमें पास फ्रैक्शन से ब्रैक कर लो, टी प्लस टू और ये टी प्लस थ्री, तो ए अपॉन टी प्लस टू बी अपॉन टी प्लस थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, टी प्लस थ्री इंटू ए प्लस या टी प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा एंड टी प्लस टू इंटू बी हो जाएगा, तो आउटपुट टी इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो वन इज टू माइनस से पूरा कैंसिल जीरो, माइनस थ्री से कितना आ जाएगा माइनस बी, तो बी की वैल्यू मेरे पास माइनस। इसके लिए आप क्या क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू माइनस टू लेफ्ट साइड पे यानी ये ए आ जाएगा और ये जीरो, ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, न्यू जो इंटीग्रल फॉर्म है वो क्या अभी ए अपॉन दिस, ए की वैल्यू वन है मीन्स वन अपॉन टी प्लस वन और डी टी, और बी की वैल्यू माइनस वन है वन तो ये टू है ना, तो ये टू लिखे, और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस वन, माइनस वन अपॉन टी प्लस एंड लॉग हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस टू माइनस लॉग ऑफ टी प्लस थ्री एंड प्लस लॉग एम अपॉन एन अप्लाई करते हैं उसमें, टी प्लस टू अपॉन टी प्लस थ्री एंड प्लस, और टी की वैल्यू कितनी दी थी ई टू दी पावर एक्स, पुट कर दो प्लस टू ई टू दी पावर एक्स प्लस थ्री एंड प्लस, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें बेटा हम क्या करेंगे, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी लेंगे और डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इधर आ जाएगा और डी टी, तो इंटीग्रल क्या बन गया ऊपर वाली पूरी वैल्यू डी टी में और टू प्लस टी एंड थ्री प्लस टी हो जाएगी, सो वापस पार्शियल फ्रैक्शन ब्रैक कर लेंगे, लेट टू प्लस टी एंड थ्री प्लस टी इज इक्वल टू ए अपॉन टू प्लस टी प्लस बी अपॉन थ्री प्लस टी, करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा थ्री प्लस टी इंटू ए एंड टू प्लस टी इंटू बी, अब पुट टी इज इक्वल टू माइनस तो एक पार्ट खत्म हो जाएगा इसका, तो माइनस टू डालने पर ये ओनली ए तो वो तो जीरो हो जाएगा, इसी तरह से आपके बाद क्या करें इसमें पुट टी इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये तो जीरो हो जाएगा और माइनस थ्री से ये माइनस बी आ जाएगा,
तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई माइनस वन हो गई। देन इंटीग्रेशन हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a, a की वैल्यू वन एंड यहाँ कितना टू प्लस टू और ये डी टी, और b की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी माइनस माइनस वन अपॉन थ्री प्लस टी और ये डी टी। फॉर्मूला कौन सा बन गया लॉग वाला, तो लॉग ऑफ टू प्लस टी लिखो बोले टी प्लस टू लिखो एक ही बात, माइनस लॉग ऑफ टी प्लस थ्री एंड प्लस टी, लॉग एम अपॉन एन अप्लाई कर दो टी प्लस टू अपॉन ये टी प्लस थ्री एंड प्लस थ्री। अब टी की वैल्यू पुट कर दो आप, टी की वैल्यू कितनी है टेन एक्स, टेन एक्स प्लस टू एंड टेन एक्स प्लस थ्री, सिंपल क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा थोड़े से टाइप चेंज हुई है इसमें का, हमेशा ध्यान रखो यहाँ पावर ज्यादा है यहाँ पावर हमेशा बंद रहेगा। इस केस में हम क्या करते हैं इस ये फाइव है इसको ये फाइव जन बनाना है, तो मैं इसमें एक्स वर्स फोर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये एक्स वर्स फाइव बन जाएगी और फाइव प्लस सॉल्व कर देखो वापस ये रिड्यूस होकर ऑप्शन चेंज नहीं जाएगी, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा कब करना है ये हाई पावर हो और ये एक्स की पावर वन तब ऐसा करना है। अब लेट एक्स की पावर फाइव इक्वल टू टी करो डिफरेंशियल इसका फाइव एक्स की पावर फोर डी टी अपॉन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की पावर फोर डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन फाइव एंड डी टी, नाउ इंटीग्रल विल कन्वर्ट इट वन अपॉन फाइव और ये तो पूरा पूरा किसमें चला गया डी टी में ना, वन अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है टी और ये हमारे पास टी प्लस है, चाहो तो उसको आप परफेक्ट इसको से बहुत जल्दी कर सकते हो, ये टी स्क्वायर और ये प्लस टी और ये डी टी, वन अपॉन फाइव वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी परफेक्ट कैसे बनाते हैं इसका हाफ कोफिशिएंट का हाफ वन बाई टू का स्क्वायर एड और इतना ही बात है सब जरूरी होता है कैसे वन बाई फाइव और ये बन गया टी प्लस हाफ का स्क्वायर एंड माइनस वन बाई टू का स्क्वायर देन वन बाई फाइव ये जो फॉर्मूला बन गया बड़ा डायरेक्ट है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला वन अपॉन टू ए की जगह तो टू ही होगा वन बाई टू और लॉग ऑफ एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एन प्लस सी ये हाफ से हाफ कैंसिल से टू कैंसिल वन बाई फाइव लॉग ऑफ टी अपॉन ए टी बराबर हो जाएगा टी की वैल्यू तो टी कितना एक्स पावर फाइव वन बाई फाइव लॉग ऑफ एक्स पावर फाइव अपॉन एक्स पावर फाइव प्लस वन एंड प्लस थ्री टू दी बेस ये इसका आंसर हो जनरेट हो गया मेरे पास। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 22 में सेम प्रोसेस है, इसमें भी एक्स पावर एन माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्स पावर एन मेंटेन हो जाएगी और ऊपर एक्स पावर एन माइनस वन हो जाएगी। एक्स पावर एन को टी ले लिया मैंने इसका डिफरेंशियल n x n माइनस वन डी टी अपॉन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई n को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये पूरी वैल्यू वन अपॉन एन और डी टी में कन्वर्ट होगी। नाउ दिस वैल्यू इसको क्या करते हैं पास ऑफ फ्रैक्शन से ब्रैक कर देते हैं तो a अपॉन टी और b अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप ये बच गया। अब आपके पास में वन ऑफ द पार्ट जीरो करने के लिए t की वैल्यू मैंने क्या किया जीरो पुट कर दिया तो लेफ्ट में तो टी है नहीं ये गया a और बच गया स्मॉल ए तो कैपिटल ए की वैल्यू वन अपॉन स्मॉल ए होगी। इसी तरह से अब क्या मैंने क्या किया टी की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी रखी मुझे ऐसी मतलब अपने इससे एक पार्ट खत्म हो जाए ये वन है ये मैंने कितना रखा माइनस ए अपॉन बी बी से भी कैंसिल हो गया ए माइनस ए कितना हो जाएगा जीरो ये पूरा फिनिश और ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी। अब आप बी क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा तो ये ए और बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर वन बाई एन को नहीं भूलना है वन बाई एन यहाँ पर है और ए और बी की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी ऐसे में हो गया मेरा वन अपॉन एन
ध्यान से देखें, ये वन बाई के है और वन अपॉन टी का होता है लॉग, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए के कॉन्स्टेंट है और ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस बी टी, है ना। यहाँ एक मिस्टेक हो रही है, कौन सी मिस्टेक होती है, नॉर्मली जो इसका कॉफिशियंट है इसका क्या बता रखा है सब डिवाइड करना, है ना, ये ध्यान रखना, इसको एक्स की तरह यूज किया ना, जिसमें टी के कॉफिशियंट का डिवाइड करना। अब हमारे पास में कुछ कॉमन आया, कितना आया ये ए, तो एन तो ऑलरेडी पड़ा था एन ए और रिमाइंडिंग वैल्यू क्या हो गई लॉग टी माइनस लॉग ऑफ ए प्लस और ये बी जी, ठीक है ना, और ये प्लस सी। अब लॉग एम ऑफ एन वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, एन ए लॉग ऑफ टी अपॉन ए प्लस बी और ये टी एन प्लस टी की वैल्यू कितनी थी एक्चुअली और एन इसे पुट कर देंगे वन अपॉन एन ए लॉग ऑफ एक्स टी पावर एन ए प्लस बी एक्स टी पावर एन एन प्लस सी, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में हम ऐसे बहुत से क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, फिर भी देख लो इसको कैसे राइट करोगे, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस टू और प्लस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, कर सकते हो सुनने में ऑलरेडी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, तो ये होती वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर देखो कॉस की वैल्यू है, इसको थोड़ा ढंग से देखना, पहले देख लो कर लो इसको फटाफट, हाँ जल्दी करो बेटा, देखो इसमें हम क्या करेंगे कॉस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वन प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स एक माइनस कॉस एक्स ऑलरेडी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन प्लस कॉस एक्स एग्जाम आ सकता है, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड वन प्लस कॉस एक्स, थोड़ा उसको इंडिविजुअली ब्रेक करते हैं, माइनस टू कॉस एक्स कैसे कॉस एक्स कॉस एक्स टू एक्स टू कॉस एक्स कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस एलसीएम लेने पर ये सेम चीजें मिल जाएगी, तो वन प्लस कॉस और वन प्लस कॉस कैंसिल, वन अपॉन कॉस को क्या लिखेंगे सेक एक्स, यहां पर कॉस और कॉस कैंसिल और वन प्लस कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और डीएक्स, यहां से देखा भाई वे टू से टू कैंसिल, फाइनली मेरे को क्या मिला इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और डीएक्स, सेक एक्स का लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स सी और सेक एक्स पर एक्स बाई टू का टेन एक्स बाई टू ये दूसरे कौन से छोड़ते हैं इसका कॉफिशियंट का डिवाइड यानी कि वन बाई टू, ये टू कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा, फाइनली लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस टू टेन एक्स बाई टू और ये प्लस एक्सरसाइज बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग ना ऐसे और अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, और फिर आपको कंटिन्यू आपके ऐसे वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना।